हेलो इंजीनियर्स, मैं इंजीनियर विशाल गोयल आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं माय इंजीनियरिंग सपोर्ट के एक और इम्पोर्टेंट वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको कंस्ट्रक्शन में यूज होने वाले 50 ऐसे थंब रूल्स बताऊंगा जो अगर आपको पता होंगे तो आपकी सिविल इंजीनियरिंग लाइफ बहुत ही आसान हो जाएगी। और मेरे हिसाब से ये सभी थंब रूल्स हर सिविल इंजीनियर को पता होने भी चाहिए। और एक बात ध्यान रखना फ्रेंड्स कि ये जो थंब रूल्स होते हैं ये किसी भी बुक्स वगैरह में नहीं लिखे गए हैं, यह सिर्फ एक प्रैक्टिकल बेस्ड डाटा होता है जो हाईली एक्सपीरियंस्ड और प्रोफेशनल्स द्वारा एक्सपीरियंस और प्रैक्टिकल नॉलेज के बेस पर बनाए जाते हैं। तो प्लीज इन्हें कभी भी एकदम एक्यूरेट कंसीडर न करें। हां, इससे आपको एक रफ और अप्रोक्सीमेट आइडिया जरूर लग जाता है। तो वीडियो लंबी हो सकती है क्योंकि आज मैं इस वीडियो में कंस्ट्रक्शन में यूज होने वाले सभी थंब रूल्स को कवर करने वाला हूं। तो जिन मेरे भाइयों के पास अपनी स्किल्स और नॉलेज को इनहांस करने का टाइम नहीं है तो उन लोगों से मेरी गुजारिश है कि कृपया आप इस वीडियो को यहीं स्किप कर सकते हैं। और आप लोगों के लिए भी मैंने नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में हनी सिंह के लेटेस्ट गाने का लिंक दे दिया है, आप जाकर उसे एंजॉय कर सकते हैं। बाकी जो मेरे भाई सिविल इंजीनियरिंग फील्ड में ग्रो करना चाहते हैं वो अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहें। बाकी लाइक करना या न करना यह आपकी मर्जी है, पर हमारे चैनल पर ऐसी ही यूजफुल इंफॉर्मेशन की वीडियो आपको हमेशा मिलती रहेंगी। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए ज्यादा समय न खराब करते हुए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला थंब रूल है एक्सकवेशन का। अगर हमारे पास किसी भी स्ट्रक्चर की क्वांटिटी गिवन है, मींस ड्राइंग वगैरह में दी गई है, तो हम बिना कैलकुलेशन के ये पता कर सकते हैं कि हमारी टोटल एक्सकवेशन क्वांटिटी क्या आएगी। कैसे? देखिए फ्रेंड्स, हमेशा ध्यान रखना कि एज पर कंस्ट्रक्शन थंब रूल एक्सकवेशन क्वांटिटी हमेशा कंक्रीट क्वांटिटी की 3 गुना होती है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो कि यह हमारी एक फुटिंग है 1x2 मीटर की और इसकी डेप्थ है 3 मीटर, तो इसकी कंक्रीट क्वांटिटी हो जाएगी L×B×H 2×1×3=6 क्यूबिक मीटर। और अगर हमारी कंक्रीट क्वांटिटी 6m³ है तो हमारी एक्सकवेशन क्वांटिटी हो जाएगी इससे 3 गुना एज पर थंब रूल 3×concrete quantity=18 क्यूबिक मीटर। आइए मैं इसे प्रूव भी करके दिखाता हूं। देखिए दोस्तों, हमेशा एक्सकवेशन के लिए हम बोथ साइड ऑफसेट लेकर चलते हैं किसी भी स्ट्रक्चर की खुदाई के लिए। तो हम यहां ऑफसेट लेंगे बोथ साइड 500 mm, तो हमारी फुटिंग की लेंथ हो जाएगी 500 mm इस साइड का ऑफसेट प्लस लेंथ ऑफ फुटिंग है 2 मीटर प्लस 500 इस साइड का ऑफसेट और ये लेंथ हो गई 3 मीटर। ऐसे ही इसकी विड्थ में 500 का ऑफसेट लेंगे दोनों साइड, तो ये हो जाएगा 500 प्लस 1 मीटर प्लस 0.500=2 मीटर। और डेप्थ में हम 100 mm का ऑफसेट रखेंगे तो डेप्थ ऑफ फुटिंग हो जाएगी 3 प्लस 0.100=3.1 मीटर। तो टोटल एक्सकवेशन क्वांटिटी अगर कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगी L×B×H, लेंथ है हमारी 3 मीटर इंटू ब्रेथ है 2 मीटर इंटू डेप्थ ऑफ फुटिंग है 3.1 मीटर =18.6 क्यूबिक मीटर क्वांटिटी। वही हमारी थंब रूल के अकॉर्डिंग आई थी 18 क्यूबिक मीटर अप्रोक्स। दैट्स व्हाई मैंने कहा था कि थंब रूल आपको एक रफ आइडिया जरूर दे देते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट थंब रूल दूसरा, आप हमेशा ध्यान रखना कि कभी भी कंक्रीट पर स्क्वायर फीट एरिया में 0.038 क्यूबिक मीटर कंज्यूम होती है, मींस 0.038 क्यूबिक मीटर कंक्रीट 1 स्क्वायर फीट एरिया में लगती है। जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लो ये हमारा एक प्लॉट है 40 फीट बाय 20 फीट का, मीन्स 800 स्क्वायर फीट इसका टोटल एरिया है, तो इसमें अप्रोक्सीमेट कितनी कंक्रीट क्वांटिटी लगेगी अगर ये पता करना हो तो हम इसी थंब रूल का यूज करते हैं। जैसे एरिया ऑफ प्लॉट हो गया हमारा 800 स्क्वायर फीट, तो इसमें कंक्रीट लगेगी 800×0.038=30.4 क्यूबिक मीटर अकॉर्डिंग टू थंब रूल, क्योंकि थंब रूल के मुताबिक 1 स्क्वायर फीट में 0.038 क्यूबिक मीटर कंक्रीट कंज्यूम होती है। यह थंब रूल आप किसी भी स्ट्रक्चरल मेंबर की कंक्रीट कैलकुलेशन के लिए यूज कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट थंब रूल है स्टील क्वांटिटी कैलकुलेशन का। के अकॉर्डिंग टू थंब रूल स्लैब, बीम, फुटिंग और कॉलम में स्टील कितना लगता है। तो फ्रेंड्स, आप हमेशा याद रखेंगे कि रेजिडेंशियल बिल्डिंग में तो
4.5 टू 4.75 केजी स्टील लगता है पर स्क्वायर फीट में, और कमर्शियल बिल्डिंग में 5 से 5.5 केजी पर स्क्वायर फीट तक, या आप कह सकते हैं कि 80 से 150 केजी पर क्यूबिक मीटर में। तो ये तो है अगर आपको एक रफ एस्टिमेट निकालना हो स्टील क्वांटिटी का ऑर्डर देने के लिए। लेकिन अगर आप और एक्यूरेट स्टील क्वांटिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो फिर आप बीएन दत्ता द्वारा दी गई रिकमेंडेशन यूज कर सकते हैं। वे क्या है चलिए देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू बीएन दत्ता रिकमेंडेशन, स्लैब में स्टील लगता है स्लैब में लगने वाली टोटल कॉन्क्रीट वॉल्यूम का 1%, बीम में टोटल कॉन्क्रीट वॉल्यूम का 2%, कॉलम में टोटल कॉन्क्रीट वॉल्यूम का 2.5% और फुटिंग में टोटल कॉन्क्रीट वॉल्यूम का 0.8%। आइए इसे भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि मान लो आपकी एक स्लैब है 5 मीटर बाय 4 मीटर की और इसकी डेप्थ यानी कि थिकनेस है 150 mm, मीन्स 0.15 मीटर, तो इसका टोटल कॉन्क्रीट वॉल्यूम हो जाएगा 3 क्यूबिक मीटर। तो अकॉर्डिंग टू बी एन दत्ता रिकमेंडेशन स्लैब में टोटल कॉन्क्रीट वॉल्यूम का कितना लगता है 1% स्टील। सो इस स्लैब में स्टील रिक्वायर्ड होगा कॉन्क्रीट वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ स्टील इसे केजी में निकालने के लिए इंटू 1% अकॉर्डिंग टू बी एन दत्ता रिकमेंडेशन फॉर स्टील क्वांटिटी। तो कॉन्क्रीट वॉल्यूम है 3 क्यूबिक मीटर इंटू डेंसिटी ऑफ स्टील होती है 7850 केजी पर क्यूबिक मीटर जैसे कि आप सभी जानते हैं, इंटू 1% और 0.01 मीटर मीटर में चेंज करने के बाद इज इक्वल टू 235 केजी स्टील। तो इस स्लैब में 235 केजी स्टील लगेगा अकॉर्डिंग टू बी एन दत्ता रिकमेंडेशन। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट थंब रूल है शटरिंग कैलकुलेशन का। पहली बात, अगर शटरिंग की कॉस्ट की बात करें तो अकॉर्डिंग टू थंब रूल शटरिंग की कॉस्ट हमेशा टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की लगभग 15 से 18% तक रहती है। जैसे मान लो टोटल कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट है 2 लाख रुपए, तो इसमें शटरिंग की कॉस्ट आएगी अप्रोक्स 30,000 रुपए से 36,000 रुपए तक। दूसरी बात, अगर शटरिंग की क्वांटिटी पता करनी हो कि कितनी लगेगी, तो ये टोटल कंक्रीट क्वांटिटी से 6 टाइम्स ज्यादा लगती है, या ऐसे कह सकते हैं कि ये प्लिंथ एरिया की 2.4 टाइम्स ज्यादा लगेगी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट थंब रूल्स है शटरिंग प्लाई बोर्ड की क्वांटिटी कैलकुलेट करने का। मान लो हमारी प्लाई का साइज है 2440 × 1220 mm और इसकी थिकनेस है 12 mm, तो हमेशा याद रखना कि अकॉर्डिंग टू थंब रूल शटरिंग एरिया से हमेशा 0.22 टाइम्स ज्यादा होती है शटरिंग प्लाई। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आपका शटरिंग एरिया है 5 स्क्वायर मीटर, तो इसमें शटरिंग प्लाई रिक्वायर्ड होंगी 0.22 × 5 = 1.1 स्क्वायर मीटर। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट थंब रूल, अगर हमें शटरिंग के लिए बैटन की क्वांटिटी कैलकुलेट करनी हो तो अकॉर्डिंग टू थंब रूल बैटन क्वांटिटी निकालने के लिए आप नंबर ऑफ प्लाई बोर्ड को मल्टीप्लाई करोगे 19.82 से। जैसे कि मान लो हमारी कंस्ट्रक्शन के लिए 25 प्लाई बोर्ड शीट रिक्वायर्ड है, तो उनकी बैटन क्वांटिटी आएगी 19.82 × 25 = 495 नंबर, मींस आपको 25 प्लाई बोर्ड शीट के लिए अप्रोक्स 495 बैटन लगेंगे। ओके फ्रेंड्स, नंबर 7, नेल्स क्वांटिटी कैलकुलेशन बाय थंब रूल। तो अकॉर्डिंग टू थंब रूल 1 स्क्वायर मीटर शटरिंग के लिए हमेशा 75 ग्राम कील रिक्वायर्ड होती है, और बोल्ट्स भी 75 ग्राम ही लगते हैं 1 स्क्वायर मीटर शटरिंग में, और बाइंडिंग वायर भी हमेशा 1 स्क्वायर मीटर शटरिंग में 75 ग्राम लगती है। तो ये बात भी आप हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि अक्सर हमें साइट पर इन सभी मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट पड़ती रहती है, और कई बार लेबर या मिस्त्री भी आपकी वेस्टेज ज्यादा करते हैं, तो आप उन्हें भी कंट्रोल कर सकते हो इन थंब रूल के बेस पर। नेक्स्ट थंब रूल है शटरिंग ऑयल की क्वांटिटी कैलकुलेट करने का। तो अकॉर्डिंग टू थंब रूल हमेशा शटरिंग ऑयल टोटल शटरिंग एरिया का 0.065 टाइम्स ज्यादा लगता है। जैसे मान लो हमारा शटरिंग एरिया है 15 स्क्वायर मीटर, तो इस 15 स्क्वायर मीटर शटरिंग के लिए हमारा शटरिंग ऑयल कितना लगेगा, तो इस 15 स्क्वायर मीटर शटरिंग के लिए हमारा शटरिंग ऑयल लगेगा 15 × 0.065 = 0.975, या 1 लीटर कह सकते हैं। तो 15 स्क्वायर मीटर शटरिंग में आपका अप्रोक्स 1 लीटर शटरिंग ऑयल लग जाता है। ओके फ्रेंड्स, आइए अब मैं आपको बताता हूं कि डिफरेंट ग्रेड का कंक्रीट मिक्स बनाने में पर क्यूबिक मीटर सीमेंट, बजरी और सैंड की क्या क्वांटिटी लगती है। कंक्रीट मिक्स, सीमेंट, कोर्स एग्रीगेट, सैंड। तो M5 कंक्रीट मिक्स में आपके 2.82 सीमेंट बैग लगते हैं, 0.98 क्यूबिक मीटर गिट्टी लगती है
और 0.49 क्यूबिक मीटर सैंड लगती है। ऐसे ही M7.5 ग्रेड के कंक्रीट मिक्स में 3.48 बैग तो सीमेंट के लगते हैं, 0.97 M3 गिट्टी लगती है और 0.48 क्यूबिक मीटर सैंड लगती है। M10 ग्रेड कंक्रीट मिक्स में 4.50 बैग सीमेंट के लगते हैं, 0.90 क्यूबिक मीटर कोर्स एग्रीगेट और 0.45 क्यूबिक मीटर सैंड लगती है। M15 कंक्रीट ग्रेड मिक्स में 6.60 बैग सीमेंट के, यानी कि 330 केजी सीमेंट, 0.88 क्यूबिक मीटर एग्रीगेट और 0.44 क्यूबिक मीटर सैंड लगती है। और M20 ग्रेड में 8.40 बैग सीमेंट के, 7.84 क्यूबिक मीटर बजरी यानी गिट्टी और 0.42 क्यूबिक मीटर सैंड लगती है। ओके फ्रेंड्स, मैंने ये सभी क्वांटिटी आपको 1 क्यूबिक मीटर कंक्रीट के लिए बताई है। अब आपको जितनी भी कंक्रीट क्वांटिटी के लिए देखना हो, जैसे 2 क्यूबिक मीटर कंक्रीट क्वांटिटी है तो बस ये सभी क्वांटिटी डबल हो जाएंगी। ओके फ्रेंड्स, और डोंट वरी, आपको ये सब नोट करने की जरूरत नहीं है, मैं वीडियो के लास्ट में आपको इस स्लाइड की पूरी PDF कॉपी दे दूंगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट थंब रूल है प्लास्टरिंग क्वांटिटी का, टाइप्स ऑफ प्लास्टर, नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स, सीमेंट इन केजी। तो अकॉर्डिंग टू थंब रूल, एक रफ प्लास्टरिंग के लिए पर स्क्वायर मीटर 0.09 बैग सीमेंट के लगते हैं, यानी कि 4.5 केजी पर स्क्वायर मीटर में। इंटरनल प्लास्टिंग में भी सेम लगेंगे, डक्ट प्लास्टिंग में भी सेम क्वांटिटी लगेगी। अब एक्सटर्नल प्लास्टिंग में सीमेंट बैग लगेंगे पर स्क्वायर मीटर 0.175 बैग, यानी कि 8.75 केजी एक स्क्वायर मीटर में। स्टक्को प्लास्टिंग में भी सेम बैग लगेंगे और लेथन प्लास्टिंग में पर स्क्वायर मीटर 0.55 बैग लगते हैं, यानी कि 27.5 केजी पर स्क्वायर मीटर में। ओके फ्रेंड्स, तो ये भी आप याद कर लेंगे तो बहुत अच्छा है। नेक्स्ट थंब रूल है हमारा ब्रिक मेसनरी वर्क के लिए, और ये मैं आपको पर क्यूबिक मीटर की क्वांटिटी बता रहा हूं, ये ध्यान रहे। ब्रिक वर्क फॉर 1 क्यूबिक मीटर, सीमेंट क्वांटिटी इन M3 और सीमेंट क्वांटिटी इन नंबर ऑफ बैग। एक 230 mm की दीवार में, यानी कि 9 इंच की वॉल बनाने में 1 क्यूबिक मीटर में जो हमारी सीमेंट लगती है वह लगती है 0.867 क्यूबिक मीटर, यानी कि 25.4 बैग सीमेंट। और 115 mm विड्थ, यानी कि 5 इंच वॉल में 1 क्यूबिक मीटर की मेजनरी में हमारी सीमेंट लगती है 0.218 क्यूबिक मीटर, यानी कि 6.32 बैग सीमेंट। ओके फ्रेंड्स, नंबर 13, थंब रूल फॉर मेजनरी वॉल क्वांटिटी। अकॉर्डिंग टू थंब रूल, एक 100 स्क्वायर फीट की वॉल में 2 तो सीमेंट बैग लगते हैं और 24 बकेट सैंड लगती है 1:4 के रेशो में। और हमेशा ध्यान रखना कि एक सीमेंट बैग में 3 बकेट सीमेंट होती है, तो 2 सीमेंट बैग के लिए 6 बकेट तो सीमेंट की हो जाएंगी और 24 बकेट सैंड की 1:4 के रेशो के लिए। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट थंब रूल है मेजनरी वॉल्स में ब्रिक्स क्वांटिटी का। एक 100 स्क्वायर फीट वॉल में, मींस एक 100 स्क्वायर फीट की दीवार में, अगर दीवार 9 इंच की बनानी हो तो लगेंगी अप्रोक्स 950 से 1000 ईंट, और अगर दीवार 4 इंच की बनानी हो तो लगेंगी लगभग 450 से 500 ईंटें। लेकिन फ्रेंड्स, आप हमेशा 50 से 100 ईंटें एक्स्ट्रा ही लेकर चलना वेस्टेज के साथ। नेक्स्ट थंब रूल है कंक्रीट स्लैब में सीमेंट बैग पता करने का। दोस्तों, ये एक बहुत ही जबरदस्त ट्रिक है, ध्यान से देखना कि कैसे एक मिनट में आप सीमेंट बैग का पता करेंगे। आपको करना क्या है, मान लो आपका स्लैब एरिया 900 स्क्वायर फीट है, तो इसमें सीमेंट बैग निकालने के लिए आप ये पहला नंबर पकड़ लो 9 और इसे मल्टीप्लाई कर दो सीधा 7 से, तो सीमेंट बैग निकल आएंगे, तो ये आएंगे 63 नंबर ऑफ सीमेंट बैग एक 900 स्क्वायर फीट की स्लैब में। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लो स्लैब एरिया है 1300 स्क्वायर फीट, तो सीमेंट बैग लगेंगे, ये पहला नंबर है 13 × 7 = 91 बैग। है ना कमाल की ट्रिक दोस्तों, ये वाकई में जबरदस्त ट्रिक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट थंब रूल, हाउ टू फाइंड डेप्थ ऑफ फाउंडेशन। तो फ्रेंड्स, एज पर IS कोड 10801982, जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स की फाउंडेशन होती है, वह उस बिल्डिंग की हाइट की 5 से 10% होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मान लो हमारे नंबर ऑफ फ्लोर है 17 और एक ओवरहेड टैंक है 3 मीटर हाइट का, और ग्राउंड टू फर्स्ट फ्लोर की हाइट है 4.2 मीटर, बाकी फर्स्ट से 17th फ्लोर तक सभी फ्लोर की हाइट है 3 मीटर, तो टोटल बिल्डिंग हाइट हो गई ग्राउंड फ्लोर हाइट प्लस टोटल नंबर ऑफ फ्लोर इंटू हाइट ऑफ फ्लोर फ्रॉम फर्स्ट फ्लोर प्लस हाइट ऑफ ओवरहेड टैंक = 4.2 ग्राउंड फ्लोर की हाइट प्लस 17 टोटल नंबर ऑफ फ्लोर है फ्रॉम फर्स्ट फ्लोर इंटू 3 हाइट ऑफ 17 फ्लोर प्लस 3 हाइट ऑफ टैंक = 58.21 मीटर। तो ये तो आ गई हमारी टोटल बिल्डिंग की हाइट। बस अब एज पर थंब रूल
फाउंडेशन की डेप्थ कैलकुलेट कर लेंगे, तो टोटल बिल्डिंग हाइट इंटू 5 to 10%, तो टोटल बिल्डिंग हाइट है 58.21 × 5% इज इक्वल टू 2.91 मीटर, और 58.21 × 10% = 5.82 मीटर। तो हमारी इस 58.21 मीटर की मल्टी फ्लोर बिल्डिंग की फाउंडेशन डेप्थ 2.91 मीटर से 5.82 मीटर तक हो सकती है, पर ये टोटली डिपेंड करेगा वहां की सोयल कंडीशन पर कि कितनी हाइट होनी चाहिए। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट थंब रूल। दोस्तों आइए अब मैं आपको लेबर प्रोडक्टिविटी के कुछ इंपॉर्टेंट थंब रूल बताता हूं, जिससे आप ये जान पाओगे कि कौन सी लेबर कितने टाइम में कितना काम करती है और आप कभी भी काम में मार या नुकसान नहीं खाओगे। तो पहला है ब्रिक वर्क। एक मैसन मींस मिस्त्री प्लस एक लेबर 8 घंटे में 1.25 क्यूबिक मीटर यानी कि 1.25 क्यूबिक मीटर 45 क्यूबिक फीट तक मेजरिंग करके देते हैं। इससे कम कर रहे हैं, इट मींस या तो वो काम से चोरी कर रहे हैं या वो इतने अच्छे नहीं हैं। नंबर टू, वॉल प्लास्टिंग। एक मैसन प्लस एक लेबर 8 घंटे की ड्यूटी में 10 स्क्वायर मीटर या 107 स्क्वायर फीट प्लास्टिंग करते हैं। नंबर थ्री, अगर सीलिंग प्लास्टिंग की बात करें तो एक मैसन प्लस एक लेबर 8 घंटे में 8 स्क्वायर मीटर और 85 स्क्वायर फीट तक प्लास्टिंग करते हैं, और एक्सटर्नल प्लास्टिंग भी 8 स्क्वायर मीटर और 85 स्क्वायर फीट तक करते हैं एक लेबर और एक मिस्त्री मिलकर। नंबर फोर, एक स्किल्ड कारपेंटर प्लस एक अनस्किल्ड कारपेंटर अप्रोक्स 4 स्क्वायर मीटर शटरिंग का काम करते हैं 8 घंटे की ड्यूटी में। नंबर फाइव, एक स्किल्ड बारबाइंडर प्लस एक अनस्किल्ड बारबाइंडर लगभग 150 kg तक सरिया काटते और बांधते हैं अपनी 8 घंटे की ड्यूटी में। अगर टाइल वर्क की बात करें तो अकॉर्डिंग टू थंब रूल एक मैसन प्लस एक लेबर 10 स्क्वायर मीटर तक टाइल फिक्स करते हैं 8 घंटे में। और लास्ट, अगर खुदाई की बात करें मिट्टी खुदाई की, तो 5 मैन मजदूर प्लस 5 फीमेल लेबर ये 9 लोग 8 घंटे में 1000 क्यूबिक फीट तक मिट्टी खोदते हैं अगर सॉफ्ट सोइल हो तो। ओके फ्रेंड्स, तो ये इंपॉर्टेंट लेबर प्रोडक्टिविटी के थंब रूल है, आप हमेशा ध्यान रखें। नेक्स्ट थंब रूल, हमेशा ध्यान रखना कि 1 क्यूबिक मीटर में हमेशा 500 ईंटें आती हैं स्टैंडर्ड साइज की वेस्टेज के साथ, और 500 ईंटों के लिए मोर्टार लगती है 0.25 क्यूबिक मीटर। इट मींस 1 क्यूबिक मीटर ब्रिक वर्क के लिए आपकी 0.25 क्यूबिक मीटर मोर्टार की जरूरत होती है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट थंब रूल, नेक्स्ट थंब रूल है कंक्रीट क्वांटिटी डायरेक्ट कैलकुलेट करने का बिल्टअप एरिया के बेस पर, और बिल्टअप एरिया होता है प्लिंथ एरिया इंटू नंबर ऑफ फ्लोर्स। तो कमर्शियल बिल्डिंग के लिए थंब रूल है प्लिंथ एरिया इंटू 0.5 क्यूबिक मीटर, और रेजिडेंशियल बिल्डिंग के लिए प्लिंथ एरिया इंटू 0.2 क्यूबिक मीटर। नेक्स्ट थंब रूल, नेक्स्ट थंब रूल है हाउस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का। आज 2021 में सिर्फ स्ट्रक्चर की कॉस्ट आती है ₹1150 पर स्क्वायर फीट, और फिनिशिंग वर्क की कॉस्ट आती है ₹650 पर स्क्वायर फीट, ये भी आप हमेशा ध्यान में रखें। नंबर 22, थंब रूल फॉर पेंटिंग कॉस्ट। 2 पुट्टी की लेयर और 2 पेंट के कोट करने की कॉस्ट आती है लगभग ₹18 से ₹20 पर स्क्वायर फीट तक। नंबर 23, फ्लोरिंग में मार्बल लगाने का खर्चा आता है ₹100 से ₹120 पर स्क्वायर फीट, और ग्रेनाइट लगाने का खर्चा आता है ₹20 से ₹22 पर स्क्वायर फीट। नंबर 24, इलेक्ट्रिकल का काम कराने में सिर्फ मटेरियल की कॉस्ट आती है ₹70 से ₹120 पर स्क्वायर फीट, और लेबर की कॉस्ट आती है ₹15 से ₹32 पर स्क्वायर फीट तक। नेक्स्ट थंब रूल फॉर सीमेंट। 1 क्यूबिक मीटर में जो डिफरेंट ग्रेड में सीमेंट लगती है वह है M10 ग्रेड में 210 kg, M20 ग्रेड में 320 kg, M25 ग्रेड में 340 kg, M30 ग्रेड में 380 kg, M35 ग्रेड में 410 kg, M40 ग्रेड में 430 kg, और M45 ग्रेड में 450 kg। तो ये सभी 1 क्यूबिक मीटर में इन सभी डिफरेंट ग्रेड्स के लिए सीमेंट की क्वांटिटी लगती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये जरूर ध्यान में रखें। 26, एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट। केमिकल नेम है क्लोरोरिफैग 20%, जो 5 लीटर केमिकल 95 लीटर पानी के साथ मिक्स किया जाता है, और यह केमिकल पर लीटर 7.5 स्क्वायर मीटर एरिया कवर करता है। एंटी टर्माइट के लिए अगर हम 1 फीट की डेप्थ तक होल करें 1 इंच डाया का, तो उसमें 7.5 स्क्वायर मीटर एरिया में 1 लीटर केमिकल लगता है, यह बात भी आप हमेशा ध्यान रखना। नंबर 27, दीवारों की वाटर प्रूफिंग के लिए पर स्क्वायर मीटर में 0.23 बैग्स लगते हैं। बालकनी और टॉयलेट की वाटर प्रूफिंग में पर स्क्वायर मीटर में 0.65 बैग लगते हैं,
और संकेन स्लैब की वाटरप्रूफिंग में 0.23 बैग ही लगते हैं पर स्क्वायर मीटर में। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट थंब रूल है विट्रीफाइड टाइल फ्लोरिंग का। विट्रीफाइड टाइल्स लगाने में पर स्क्वायर मीटर में 0.28 बैग सीमेंट लगती है और सिरेमिक टाइल फ्लोरिंग में भी पर स्क्वायर मीटर 0.28 सीमेंट बैग लगते हैं, पर डेडो टाइल फ्लोरिंग में पर स्क्वायर मीटर में 0.27 सीमेंट बैग लगते हैं। यह सब प्रैक्टिकल बेसिस पर कैलकुलेट की गई क्वांटिटी है, आप हमेशा ध्यान रखें। नंबर 33, एसी ब्लॉक्स। एसी ब्लॉक्स पर स्क्वायर मीटर में अप्रोक्स 12.5 नंबर लगते हैं। नंबर 34, वॉल पुट्टी के अगर दो कोट करें तो 1 kg में अप्रोक्स 14 से 15 स्क्वायर फीट तक का एरिया कवर हो जाता है और 3 कोट में लगभग 8 से 12 स्क्वायर फीट तक का एरिया 1 kg में। नंबर 35, प्राइमर। प्राइमर का अगर एक कोट करें तो 1 kg में 120 से 140 स्क्वायर फीट तक का एरिया कवर होता है और 2 कोट में 70 से 90 स्क्वायर फीट तक का एरिया। नंबर 36, पेंटिंग की लेबर कॉस्ट 10 से 15 रुपए पर स्क्वायर फीट तक रहती है, यह भी आप हमेशा ध्यान रखें। 37, अकॉर्डिंग टू थंब रूल जो प्लास्टिंग में सीमेंट लगती है वह एक्सटर्नल प्लास्टिंग में तो 8.75 kg पर स्क्वायर मीटर में, इंटरनल प्लास्टिंग में 4.5 kg पर स्क्वायर मीटर में और सीलिंग प्लास्टिंग में 0.11 बैग पर स्क्वायर मीटर में, तो यह बात भी आपको हमेशा ध्यान रहनी चाहिए। 38, बहुत ही इंपॉर्टेंट थंब रूल है डिमोलिशिंग में लेबर रिक्वायरमेंट का। तो नंबर 1, अगर हमें पीसीसी तोड़वानी है तो 1 क्यूबिक मीटर पीसीसी तोड़ने में 2 लेबर लगती है और 8 घंटे में यह 1 क्यूबिक मीटर पीसीसी तोड़ देती है और उसके साथ साथ ये उस डिमोलिश्ड मटेरियल को 50 मीटर लीड तक शिफ्ट भी करेंगी। और आरसीसी में 4 लेबर लगती हैं 1 क्यूबिक मीटर को तोड़ने में और 50 मीटर तक डिमोलिश मटेरियल को शिफ्ट करने में। अगर ईंटों की दीवार डिमोलिश करनी है और ईंटें भी 50 मीटर तक शिफ्ट करनी हो तो भी 2 लेबर 1 क्यूबिक मीटर ब्रिकवर्क तोड़ देती हैं और इन्हें बिल्कुल साफ और क्लियर भी कर देंगी। और अगर ईंटों से मसाला मीन्स मोर्टार हटानी हो तो ईंटें साफ करने और चट्टे में लगाने के लिए 10 क्यूबिक मीटर के लिए अप्रोक्स 4 मिस्त्री मीन्स 4 मेसन और 25 मजदूर लग जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, और एक बात और ध्यान रखना कि ये सभी लेबर की टाइमिंग 8 घंटे की है जो इनका ड्यूटी टाइम रहता है। नेक्स्ट थंब रूल फॉर लेबर रिक्वायरमेंट इन ब्रिक मेसनरी वर्क। 8 घंटे की ड्यूटी में 1 मेसन प्लस 1 मैन मजदूर और 1 वुमन मजदूर, ये 3 लोग मिलकर अप्रोक्स 7.5 स्क्वायर मीटर ब्रिक वर्क करते हैं। वहीं ब्लॉक वर्क करेंगे 12 स्क्वायर मीटर और 5 मिस्त्री 6 लेबर मिलकर 100 स्क्वायर मीटर डीपीसी करते हैं अपनी 8 घंटे की ड्यूटी में। नंबर 42, मार्बल फ्लोरिंग करने में अप्रोक्स 0.3 बैग सीमेंट लगते हैं पर स्क्वायर मीटर में। नेक्स्ट थंब रूल है कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए जो कंस्ट्रक्शन फील्ड में काम करते हैं, तो अगर उन्हें ज्यादा प्रॉफिट चाहिए कंस्ट्रक्शन के काम में तो उन्हें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहली बात, उन्हें फ्लोर टू फ्लोर हाइट कम से कम रखनी चाहिए। नंबर 2, फॉर्मवर्क और शटरिंग को जितना हो सके उतना ज्यादा रिपीट करें। नंबर 3, हमेशा कॉलम स्टैंडर्ड साइज के हों। नंबर 4, बीम का बॉटम और डेप्थ भी सेम रखेंगे तो सेम शटरिंग यूज कर सकते हैं इनकी कॉन्क्रीटिंग में। नंबर 5, कॉलम में हमेशा M30 ग्रेड की हाई स्ट्रेंथ कॉन्क्रीट ही यूज करें। नंबर 6, हमेशा अर्ली स्ट्रेंथ वाली कॉन्क्रीट यूज करेंगे तो शटरिंग वगैरह जल्दी खोल पाएंगे और वर्क प्रोग्रेस को बढ़ा पाएंगे। और नंबर 7, हमेशा लोकली अवेलेबल मटेरियल ही यूज करें। तो ये बातें हमेशा एक कॉन्ट्रैक्टर को प्रॉफिट देकर जाती हैं, ध्यान रखें। नेक्स्ट थंब रूल है किसी भी हाउस कंस्ट्रक्शन की मटेरियल क्वांटिटी कैलकुलेट करने का। मान लो आपका बिल्टअप एरिया 1000 स्क्वायर फीट है तो सीमेंट कैलकुलेट करने का थंब रूल है बिल्टअप एरिया इंटू 0.4, इट मीन्स 1000 × 0.4 = 400 बैग। आपके 1000 स्क्वायर फीट में 400 बैग सीमेंट लगेंगी। ऐसे ही सैंड का थंब रूल है बिल्टअप एरिया इंटू 0.816, यानी कि सैंड लगेगी 1000 स्क्वायर फीट में 1000 × 0.816 = 816 टन और 51 क्यूबिक मीटर। एग्रीगेट का थंब रूल है बिल्टअप एरिया इंटू 0.608, तो एग्रीगेट क्वांटिटी हो जाएगी 1000 × 0.608 = 608 टन। स्टील के लिए बिल्टअप एरिया इंटू 4, बिल्टअप एरिया है 1000 स्क्वायर फीट इंटू 4 = 4 टन स्टील। पेंट के लिए बिल्टअप एरिया इंटू 0.18, तो
1000 × 0.18 = 18 लीटर पेंट। फ्लोरिंग के लिए बिल्टअप एरिया इंटू 1.3 तो 1000 × 1.3 = 13 स्क्वायर फीट विद स्कल्टिंग। और लास्ट थम रूल है ब्रिक्स कैलकुलेट करने का, तो ब्रिक्स का थम रूल है बिल्टअप एरिया इंटू 8 तो 1000 × 8 = 8000 नंबर ऑफ ब्रिक्स लगेंगी 1000 स्क्वायर फीट में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थम रूल है, हमेशा ध्यान रखें। और डोंट वरी, मैं इस स्लाइड की पीडीएफ कॉपी आपको दे दूंगा, इन्हें नोट करने की कोई जरूरत नहीं है, वीडियो में बने रहें। नेक्स्ट थम रूल है हाउ टू फाइंड डेप्थ ऑफ बीम। तो अकॉर्डिंग टू ACI कोड, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड 31814 टेबल नंबर 9.5A, इंच में बीम की डेप्थ इसकी लेंथ के इक्वल होती है फीट में। मींस फॉर एग्जांपल, जैसे कि मान लो बीम की लेंथ है 5 मीटर या कह सकते हैं कि 16.40 फीट, फीट में देखे तो अकॉर्डिंग टू ACI कोड इसकी डेप्थ रहेगी 16.40 इंच, मींस फीट इंच में कन्वर्ट हो जाएगा, मींस लेंथ फीट में, और सेम वही डायमेंशन डेप्थ की रहेगी इंच में। ओके फ्रेंड्स, या फिर दूसरा थंब रूल है बीम डिजाइन का, इफेक्टिव स्पैन डिवाइड बाय 12। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मान लो हमारी लेंथ ऑफ स्पैन थी 5 मीटर, मींस 5000 mm डिवाइड बाय 12 = 417 mm, तो डेप्थ ऑफ बीम होगी 417 mm या 16.40 इंच। इन दोनों में से कोई भी थंब रूल यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट थंब रूल है स्लैब का साइज डिजाइन करने का। तो एज पर IS 456 सिंपली सपोर्टेड स्लैब के लिए होता है स्पैन डिवाइड बाय 30। कंटिन्यूअस स्लैब के लिए भी सेम होता है, पर कैंटिलीवर स्लैब के लिए होता है स्पैन डिवाइड बाय 7। और ये सभी थंब रूल उन स्लैब्स के लिए एप्लीकेबल है जिनकी स्पैन 10 मीटर तक है या इससे कम है। 10 मीटर से ज्यादा स्पैन वाली स्लैब के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है स्टैंडर्ड टॉलरेंस फॉर बैचिंग प्लांट इक्विपमेंट। मींस जो कंक्रीट बैचिंग प्लांट में मेजरिंग के लिए इक्विपमेंट होते हैं उनमें टॉलरेंस क्या होता है। तो सीमेंट मेजरिंग इक्विपमेंट के लिए ±2%, एग्रीगेट मेजरिंग इक्विपमेंट के लिए ±3%, एडमिक्सचर मेजरिंग इक्विपमेंट के लिए ±3%, और वाटर मेजरिंग इक्विपमेंट के लिए ±3%। और हमेशा मिक्सिंग टाइमिंग होता है 2 मिनट एक मिक्सिंग के लिए, तो यह भी आप जरूर ध्यान में रखें। नंबर 49, स्टैंडर्ड टॉलरेंस फॉर TMT बार्स इन लेंथ। तो 0 से 25 mm तक टॉलरेंस है ±0.5%, 25 से 30 mm तक टॉलरेंस है ±0.6%, और 35 से 50 mm तक टॉलरेंस होता है ±0.8%। ओके फ्रेंड्स, सेकंड, TMT बार में पर मीटर वेट का टॉलरेंस होता है 0 से 10 mm तक ±7%, 10 से 16 mm तक ±5%, और 16 से ऊपर के सभी बार्स का ±3%। थर्ड, टॉलरेंस फॉर कटिंग लेंथ। अगर बार की स्पेसिफाइड कटिंग लेंथ न दी गई हो तो ±75 mm, और अगर बार्स की स्पेसिफाइड कटिंग लेंथ गिवन हो तो ±50 mm। और लास्ट थंब रूल है पर स्क्वायर फीट में लगने वाले मटेरियल की कंजप्शन का। नंबर 1 है RMC, जो पर स्क्वायर फीट कंज्यूम होती है 0.05 क्यूबिक मीटर। नंबर 2 सीमेंट, जो पर स्क्वायर फीट कंज्यूम होती है 0.5 बैग्स। नंबर 3 इलेक्ट्रिकल कॉस्ट आती है पर स्क्वायर फीट की ₹150 पर स्क्वायर फीट। नंबर 4 प्लम्बिंग की कॉस्ट आती है पर स्क्वायर फीट की ₹140 पर स्क्वायर फीट। और नंबर 5 फायर फाइटिंग की कॉस्ट आती है पर स्क्वायर फीट की ₹55 पर स्क्वायर फीट। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप के यहां मैंने कंस्ट्रक्शन में यूज होने वाले लगभग सभी थंब रूल्स को कवर कर लिया है जो हमेशा आपके टिप्स पर होने चाहिए। अब इन्हें रटो या याद करो, पर ये हमेशा आपको याद रहने चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो वीडियो काफी लंबी हो गई है, पर आई होप के जानकारी आप लोगों के लिए यूजफुल रहेगी। अगर आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि यह जानकारी आपके दोस्तों के भी काम आ सके। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए जल्द मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए एक और बेहतरीन जानकारी के साथ। और अगर आप इस स्लाइड की PPT या PDF कॉपी चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारी वेबसाइट www.myengineeringsupport.com पर विजिट करके ईबुक के सेक्शन से इसे डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप हमें डायरेक्ट मैसेज करें हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम ग्रुप पर, जिन दोनों ग्रुप का लिंक मैंने नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहां भी आपको दोनों PPT और PDF की कॉपी सेंड कर दी जाएगी। ओके फ्रेंड्स, तो वीडियो में यहां तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।